सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की जो सेल होती है उसकी हाइट या विड्थ कम या ज्यादा कैसे करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ये टेबल क्रिएट की हुई है। अब अगर आपको टेबल की जो सेल है उसकी हाइट कम या ज्यादा करनी है या विड्थ कम या ज्यादा करनी है तो बीच में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बीच में क्लिक किया हुआ है, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो आपको जब जब आप बीच में कहीं क्लिक करेंगे या टेबल सेलेक्ट करेंगे तो दो नए टैब दिखाई पड़ते हैं ऊपर, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। ठीक है, ये दोनों टैब आपको तभी दिखाई पड़ेंगे जब आप टेबल सेलेक्ट करेंगे या टेबल के बीच में कहीं पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमको जाना है लेआउट टैब में। तो जब आप लेआउट टैब में जाएंगे तो ये देखिए, ये है हाइट के लिए ऑप्शन और ये है विड्थ के लिए ऑप्शन। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अगर इसको नीचे करूँ तो आप देखेंगे, सॉरी इसको बढ़ाता जाऊं तो आप देखेंगे कि ये देखिए हाइट इसकी जो है ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये था हाइट, ये हाइट ज्यादा करने के लिए ऑप्शन था और ये है विड्थ ज्यादा करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए विड्थ कम या ज्यादा करने के लिए ये है ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप विड्थ कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है,